निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्रांच मुरादाबाद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन दिल्ली रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन पर किया गया। इस रक्तदान शिविर में 20 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन वर्तमान समय में कोरोना महामारी एवं जरूरतमंद रोगियों एवं रक्त की कमी से जीवन की हानि को बचाने के लिए किया गया है। इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2020 को किया गया था। जिला अस्पताल मुरादाबाद के आदेश अनुसार ये रक्तदान शिविर आज भी लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में 4-4 रक्तदाताओं को समय अंतराल का ध्यान रखकर आमंत्रित किया गया, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। बैंक स्वयंसेवक अमित कुमार ने बताया कि आज दिल्ली रोड स्थित निरंकारी सत्संग भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्तदाताओं द्वारा 20 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। इससे पहले भी ये शिविर 14 जून को लगाया गया था और आगे भी आदेश अनुसार ये कैंप जारी रहेगा। आज 5 तारीख को यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजित किया जा रहा है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें सरकार की जो भी गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजिंग इत्यादि का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और आज यहाँ पर 20 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ है। इसी तरह से हमने 14 जून को जो कि विश्व रक्तदान दिवस होता है उस दिन भी इसी तरह से कैंप लगाया गया था और उस दिन भी 20 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ था। आज कितनी यूनिट हुआ है? आज भी 20 यूनिट का है। वैसे तो ये हमारी तादाद 100-150 से के आसपास पहुंच जाती है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का कारण है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो उस हिसाब से हमने ये कैंप लगा रहे हैं एक टाइम पीरियड के बाद में, जिसमें 20-20 करके महापुरुष आते हैं और अपना ब्लड डोनेट करते हैं। ये सतगुरु माता नदी की हरदेवी के पास यहाँ रक्तदान कैंप लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे कोरोना काल में हर व्यक्ति रक्त देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अपना अपने को ब्लड नहीं देता, सब डरते हैं। लेकिन निरंकारी मिशन के द्वारा सतगुरु माता सुदक्षा जी के आदेश के अनुसार निरंकारी मिशन के अनुयायी हमेशा रक्त देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा था कि इंसान का रक्त नालियों में नहीं इंसान की नाड़ियों में बहना चाहिए। तो इसी प्रकार से 14 जून को भी रक्तदान कैंप लगाया गया और आज भी सतगुरु माता जी के आदेश से रक्तदान कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ सिविल हॉस्पिटल की टीम रक्त लेने आई है, जिससे कि हर इंसान को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके।